नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। हम हैं बिरड़ा खेड़ा में, जहां पर जागरूकता मंच सिरोही जालौर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाज बंधु उपस्थित हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या मामला था और किस तरह। हमारे साथ में है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, जरा बताइए क्या मामला है और किस तरह से ये सब पदाधिकारी और जमा है। बिरड़ा खेड़ा के समाज के बंधु और ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ पे जो स्कूल के अंदर जो प्रधानाध्यापक और उनके साथ में टीचर लगे हुए, उनका गांव के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर इसी तरह अगर गुरुजनों में भावना रही तो गांव के बच्चों के प्रति शिक्षा पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सभी ने मांग रखी कि इनको यहां से हटा दिया जाए। अगर इनको यह जब तक यहां से नहीं हटाएंगे, हम विद्यालय का बहिष्कार करेंगे। यही जागरूकता मंच की भी बात है और ग्रामीणों की यही बात है। इस मामले में आपने शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया है? हमने ज्ञापन तैयार कर दिया है और हम शिक्षा विभाग को अभी थोड़ी देर में दे देते हैं। अगर ज्ञापन से आपका काम नहीं होता है तो क्या आप आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे? बिल्कुल, अगर हमारे ज्ञापन से अगर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो इसके लिए हम व्यापक आंदोलन करेंगे और विद्यालय के ताला लगाएंगे। ठीक, ये हमारी मांग है। ठीक, धन्यवाद। बिरड़ा खेड़ा के आक्रोशित ग्रामीण व जागरूकता मंच के पदाधिकारी नागपुरी जी महाराज के नेतृत्व में अधिकारियों की राह देख रहे थे। जैसे ही अधिकारी पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन दिया। जैसे ही बिरड़ा खेड़ा में घटित घटना की जानकारी शिक्षा विभाग के ACBO पूनम सिंह को मिली, तो वो अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ में मौके पर पहुंचे और जागरूकता मंच सिरोही जालौर व बिरड़ा खेड़ा के ग्रामीणों ने उनको ज्ञापन सौंपा और उन्होंने आश्वासन दिया। हमने बात की, क्या कहा, आइए सुनते हैं। ACBO पूनम सिंह जी सोलंकी, आपको ये ज्ञापन दिया, उस पर क्या किस तरह से कार्रवाई करेंगे, उस पर जरा दो शब्द बताइए। अभी मैं ग्रामवासियों से बात कर लेता हूँ, प्रकरण की पूरी एक बार तथा रिपोर्ट लेने के, फिर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कर देंगे। ठीक, जो ग्रामीणों की मांग है कि उनको दोनों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, तो उस पर किस तरह से आप मैनेज करेंगे? अभी आया हूँ मैं, एक बार स्टाफ से बात कर लेता हूँ, गांव के गणमान्य नागरिक उनसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको निर्णय करके बता दूँ। ओके, धन्यवाद। एक बार सही नहीं है तो एक ज्ञापन तैयार कर हमने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से अधिकारियों को दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन दोनों अधिकारियों को ऐसे अपील कर देंगे। उसके बाद भी इसको कौन से गाँव की घटना है? बिरड़ा खेड़ा गाँव। ग्रामीणों और जागरूकता मंच व दोनों पक्षों की बात सुनकर ACBO पूनम सिंह सोलंकी ने बताया कि उन्हें तुरंत प्रभाव से मैं इन दोनों अध्यापकों को CBO ऑफिस रेवदर शिफ्ट कर रहा हूं और आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि अगर इसी तरह से यहां से दोनों प्रधानाध्यापक और अध्यापक को हटाया जाता है तो हम किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेंगे और हम इस फैसले से खुश हैं कि उन्हें यहाँ से हटाया गया है। बस ग्रामीणों की और जागरूकता मंच सिरोही जालौर की एक ही मांग थी कि अध्यापक व प्रधानाध्यापक बिरड़ा खेड़ा स्कूल में पदस्थ नहीं रहने चाहिए। तो इस पर कार्रवाई करते हुए ACBO पूनम सिंह सोलंकी ने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद में और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन्हें तुरंत प्रभाव से रेवदर ऑफिस शिफ्ट किया जाए, जब तक कि अगली कार्रवाई उनके खिलाफ जांच और APO करने की जो कार्रवाई है वो नहीं होती है, तब तक रेवदर ऑफिस में ही कार्यरत रहना होगा। धन्यवाद।